फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज फोर पर। एक्सरसाइज फोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जो कि हम पहले कई बार कर चुके हैं दसवीं में। अब हम यहाँ एक बार फिर से अच्छी से प्रकार से करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन है, बहुत सारे दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, अब आप मुझे कमेंट करें कि आपको पहले से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है या नहीं। चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए, माई टीचर ऑफन सेज टू मी, आंसर है इसका माई टीचर ऑफन सेज टू। कायम बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं, हमने सीख रखा है पहले टेल्स, एस ए टी ई डबल एस। My teacher often tells me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, दैट इफ यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाए, आई। पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डिड नॉट वर्क हार्ड कॉमा आई, ये भी सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई शुड फेल। आई के अनुसार क्या आ गया, शुड आ गया, अगर ही आता तो ही के अकॉर्डिंग बुड आता। नेक्स्ट देखिए, ये पंडित नेहरू सैड टू द पीपल, पैट्रियोटिक फेलो मैन, आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। जो पैट्रियोटिक फेलो मैन है ये संबोधन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस का शुरू करें, एड्रेसिंग किसको संबोधित किया जा रहा है, एड्रेसिंग द पीपुल Addressing the people कैसे, as patriotic addressing the people as patriotic fellow man addressing the people as patriotic fellow man पंडित नेहरू said, किसने कहा, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू एड्रेसिंग द पीपल एज पैट्रियोटिक फेलो मैन, पंडित नेहरू सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगा दें, दैट आई किसके अनुसार सब चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, पंडित नेहरू, तो क्या हो गया, ही एम का वॉज, ही वॉज आ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। इसका देखिए, रेस्ट अश्योर्ड आई विल पे यू बैक वेरी सून, सी सेड हर फ्रेंड, तो शी सेड टू को हम या अश्योर्ड में बदल रहे हैं, अश्योर्ड में सोचा भरोसा दिलाना, शी अश्योर्ड
हर फ्रेंड शी अश्योर्ड हर फ्रेंड सेइंग दैट saying that I कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है सी तो सी हो जाएगा सी विल का जाएगा बुड सी बुड पे हर का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा हर बैक ये हर बैक वेरी सून Very soon. Manindra said, "No, I don't know his name." Manindra replied in negative. नो आए तो उसको क्या करते हैं मनिंद्रा रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट ही डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में शी डिड नॉट No, N-O-W, no, his name. ये क्या है नो के एन ओ डब्ल्यू नो अगला देखिए नंबर फाइव हरी सेड टू रेखा योर ब्रदर विल नॉट डिलीवर अ स्पीच इन पार्लियामेंट द डे आफ्टर टुमारो देखिए हरी सेट्टू को टोल्ड मत देंगे हरी टोल्ड रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं दैट योर सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है रेखा रेखा का जैसे क्या आ जाएगा हर ब्रदर हर ब्रदर बिल का क्या हो जाएगा बुड हर ब्रदर बुड नॉट डिलीवर आई स्पीच इन द पार्लियामेंट The day after tomorrow का the next day अगला नंबर सात देखिए सॉरी नंबर सिक्स मोहन said कृष्णा I shall never better you तो मोहन कृष्णा से कह रहा है तो मोहन ओल्ड कृष्णा कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठा के दैट वन टोल्ड कृष्णा दैट आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट क्यों सब्जेक्ट है मोहन मोहन का क्या हो जाएगा ही चाहो तो यहां आप उसको भी लिख सकते हैं किसके लिए आया है मोहन के लिए जब दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो मोहन बुड एवर बैटरे बी टी आर ए बैटरे कर लेते हैं मोहन टोल कृष्णा दैट ही वुड नेवर बैटरे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कृष्णा तो हिम हो गया यहाँ किसके लिए है कृष्णा के लिए
केवल तब जब दोनों ही थर्ड पर्सन दिए हों तो हमें लिखना होता है। नंबर सात देखिए, ही सेड टू अस इफ आई वर हियर आई वुड प्रिवेंट इट। तो ही सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ही टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, दैट इफ आई, आई कौन सा पर्सन है, आई तुम्हारा है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही वर, वर का वर ही रहेगा जब अनरियल पास्ट हो, इफ ही वर हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ही आई ही के अनुसार ही हो जाएगा, ही वुड, वुड ही वुड प्रिवेंट इट, फुल स्टॉप। He told us that if he were there, he would prevent it. और इसको ऐसे भी कर सकते हैं चाहो तो आप, he, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, he told us, comma inverted comma को उठा के if, sorry that if he, were को क्या लगा सकते हैं आप, चलिए इसी तरीके से रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम में दोबारा कराएंगे, फिलहाल इसी तरीके से रहने देते हैं। अगला देखिए, एट नंबर देखिए, ही सेड यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट। जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, He told, हमने मी मान लिया, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाएंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट के हम, ऑब्जेक्ट क्या मान लिया हमने, मी, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाए, आई, मस्ट हमेशा मस्ट ही रहता है, आई मस्ट कीप, इसका क्या हो जाता है, दैट इन योर का क्या हो जाएगा, माई पॉकेट, P-O-C-K-E-T, pocket. Nine देखो, she said I left the money bag in train. She said, comma inverted comma को उठा के that लगाते हैं, that I first person है, subject, subject क्या है, she, she का क्या है, she had left, she had left the money bag, money bag in the train. Number 10 देखो, he said this is what these statesmen are doing now. तो he had inverted comma को उठा के that लगाते हैं, this, तो दिस सामने है, दिस इज वॉट, तो दिस ही रहेगा, दिस इज का क्या होता है, वॉज, वॉट, दिस का दोज, स्टेट्समैन, दोज स्टेट्समैन, यहां भी एस मिस हो गया है, दोज स्टेट्समैन वर डूइंग नाउ का देन, PHEN, ठीक है। अभी 11 वाला देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, यू सी आई कांट गिव यू एनी अदर चांस। द प्रिंसिपल
सेट टू को टोल्ड मार देने हैं, टोल्ड द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के दैट यूसी यूसी हट जाएगा, यूसी आता है यू नो या यूसी आता है तो हट जाता है। सब्जेक्ट क्या है, आई आईस, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का क्या हो जाए, ही, कैन का क्या हो जाए, कोड नॉट गिव, कुड नॉट गिव, यू यू का क्या हो जाएगा, देम, गिव देम एनी अदर चांस, फ्रेंड सेड टू मी आई कांट डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, एंड एफ आर आई एंड माई फ्रेंड टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट लगाते हैं, दैट यही फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा, ही he would not, फिर से हैंडराइटिंग बेकार आने लगी थी, वो not disclose iska that secret se secret। agla dekhiye aage, ye dekhiye ye thoda sa bada hai, तो इसको बड़े ही आसान तरीके से करेंगे, आप देखते चलिए, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है लेकिन घबराए नहीं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स यू मे गो, तो द प्रिंसिपल होल्ड द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा को उठा के दैट यू यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या दे, देम, देम का क्या हुआ, दे मे का माइट गो टू, योर का क्या हो जाएगा, देयर क्लासेस, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, एंड ही एडिट, अब यहां क्या लगा देंगे और बात को, और उसने क्या कहा, नाउ का एंड ही एडिड दैट ही वुड सेल को वो ही वुड सी वॉट आई का ही कैन का कोड बॉडी कोड do in this ka that matter the day after tomorrow ka the next day said I don't doubt your sincerity, तो यहां भी हमें सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से मान लेंगे, मोहन टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, आई फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार ही हो गया, डिड नॉट
डू नॉट को डिड नॉट नंबर देन डिड नॉट डाउट डाउट योर सिंसियरिटी यानी माई सिंसियरिटी माई सिंसियरिटी सिंसियरिटी ठीक है। लास्ट है और काफी अच्छा सेंटेंस है जिसका हमें पैसे बनाना है। सावित्री शेड ओ यमा द पावरफुल लॉर्ड यू हैव प्रॉमिस्ड मी अंडे सन आई डोंट विश फॉर हेवन इट सेल्फ विदाउट माई हस्बैंड। तो सावित्री ने मृत्यु के स्वामी या पावरफुल लॉर्ड कहा उनको यम को, तो सबसे पहले एड्रेसिंग लगाएंगे क्या लगाएं यम है एड्रेसिंग एड्रेसिंग द यमा एड्रेसिंग द यमा कैसे संबोधित किया एड्रेसिंग द यमा एज द पावरफुल लॉर्ड पावरफुल लॉर्ड एड्रेसिंग द यमा एज द पावरफुल लॉर्ड सावित्री सेड है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे पहले आपको एड्रेसिंग लगाना है, फिर जिसको संबोधित किया जा रहा है वो लिखना है, फिर एज लिखना है, फिर उसके बाद क्या कहकर संबोधित किया जा रहा है वो लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है आपको सावित्री सेड। देखिए आप कमेंट कर रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले एड्रेसिंग आएगा, फिर जिसको संबोधित किया जा रहा है वो आएगा, यम को किया जा रहा है यमा, कैसे किया जा रहा है एज द पावरफुल लॉर्ड, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है सावित्री सेड, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा को उठा के दैट यू हैव प्रॉमिस्ड मी अ हंड्रेड सन, यू यानी यमा ही हैड प्रॉमिस्ड ही हैड प्रॉमिस्ड मी यानी हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार मी यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हर हा हंड्रेड सन सन्स एंड सी एडेड। और वो क्या कह रही है आगे कहा उन्होंने एंड सी एडेड that she did not wish for heaven she did not wish for heaven she did not wish for heaven itself 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 without without नहीं का क्या होगा हर हस्बैंड ये वीडियो काफी बड़ा हो गया लेकिन आप ये वीडियो काफी आपके यूजफुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप 12वीं के छात्र हैं तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, आपको संपूर्ण हल इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।